नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। दोस्तों, ये एक मैसेज देश में जा रहा है कि जहां भी उपद्रवी, दंगाई, माफिया या आपराधिक अवैध ठिकाने होंगे, वहां पे बुलडोजर जरूर चलेगा। और अभी तक ये बुलडोजर योगी आदित्यनाथ चला रहे थे, अपने प्रदेश में चला रहे थे, लेकिन अब योगी की इस कार्रवाई की तर्ज पे असम सरकार ने भी काम करना शुरू कर दिया है। असम में अधिकारियों ने बुधवार यानी कि आज बोंगाई गांव के एक मदरसे को गिराया है। ये वो मदरसा है जिसके परिसर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की बात कही जा रही है। जोगी गोपा थाने के अंतर्गत आने वाले कबाईतारी भाग 5 गांव में मरकजुल मारिफ कारियाना मदरसा को गिराने के लिए कई बुलडोजर पहुंचे थे। जिला प्रशासन ने इलाके में सबसे पहले भारी फोर्स तैनात की और उसके बाद मदरसों को गिराया। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में असम पुलिस ने मदरसों के इन इमाम और जो वहाँ के शिक्षक हैं उन लोगों को गिरफ्तार किया था। इस कार्रवाई में कुल 37 लोग गिरफ्तार हुए थे जिनके ऊपर मदरसों की आड़ में आतंकी गतिविधियां संचालित करने का आरोप था। ये सभी आतंकी अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट और अंसारुल्लाह बंगला टीम से जुड़े हुए थे। कुछ आतंकवादी धार्मिक शिक्षकों के वेश में राज्य में घुस आए थे और चुपचाप अपनी कहना चाहिए विध्वंसक और राज्य विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे थे। इसके बाद जांच एजेंसियों ने और पुलिस ने एक एक्शन टीम बनाई और उसी के बाद ये सारी कार्रवाई की गई। मदरसे को गिराने से पहले मंगलवार को 224 छात्रों को वहाँ से निकाल लिया गया था। इसके अलावा वहाँ जो सहायक कर्मचारी और टीचर्स थे उनको भी बाहर निकाला गया। उसके बाद ये बुलडोजर चलता है। 30 अगस्त को गोलपारा जिला में पुलिस ने एक तलाशी अभियान चलाया था। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए और इस कार्रवाई के दौरान बंगाली भाषा में आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बंगला टीम का एक पत्र और एक लोगो मिला। इस संगठन के AQIS यानी कि जो अलकायदा का भारत में गुट है उससे जुड़े होने के संदेह है। 30 अगस्त को राज्य सरकार ने इसी तरह के आरोपों पर बारपेटा जिले के ढकलीपाड़ा इलाके में एक और मदरसा शेखुल हिंद महमूदुल हसन जमीउल हुडा इस्लामिक अकादमी को ध्वस्त किया था। ये इस्लामी संस्थान सरकारी जमीन पर बना हुआ था। अच्छा, ये संस्था राष्ट्र विरोधी गतिविधियों, जिहादी संगठनों और ऐसी गतिविधियों में शामिल रही है। मदरसों को जितने भी मदरसों की संपत्ति है उसका सत्यापन किया गया। ढकली पारा का मदरसा सरकारी जमीन पे बना हुआ पाया गया और इसे किसने बनवाया, इतनी बड़ी इमारत बनाने की रकम कहाँ से आई, अभी इसकी खोजबीन करना बाकी है क्योंकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। और इस बारे में वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये कहा है कि मदरसा प्रबंधन संस्था नहीं चला रहा है बल्कि एक आतंकवादी केंद्र चला रहा है। दोस्तों, आप गौर करिए कि इस मदरसे को आतंकवादी केंद्र चला रहा है। शर्मा ने यह भी बताया कि तीसरा मदरसा गिराया गया है क्योंकि ये मदरसे शिक्षा संस्था नहीं बल्कि आतंकवादियों का केंद्र थे। यहाँ पर कट्टरवाद और आतंकवाद पढ़ाया जा रहा था। इस महीने की शुरुआत में राज्य के मोरी गांव जिले के मोहिराबारी इलाके में जमीउल हुडा मदरसा को गिराया गया था और अभी हाल ही में पिछले कुछ ही दिनों में 6 बांग्लादेशी नागरिक जो अंसारुल्लाह बंगला टीम ABT और अलकायदा भारतीय उपमहाद्वीप के मेंबर हैं, उन्होंने 2016 और 17 में
भारत में यानी कि असम में एंट्री ली थी। असम पुलिस ने उनमें से एक को गिरफ्तार किया है और अभी 5 जो हैं इनमें से वो फरार है। बेहतर निगरानी के लिए अब राज्य में आने वाले इस्लामिक शिक्षकों पे नज़र रखनी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा राज्य एक पोर्टल विकसित कर रहा है जहां पर उनका जो बायोडाटा है वो दर्ज किया जाए। सरकार ने मानक संचालन प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं, यानी कि इनके लिए एक बायलाज बनाया है और स्थानीय लोगों को ये कहा है कि अगर उन्हें पता चलता है कि कोई धार्मिक शिक्षक या इमाम आया है तो उन्हें इसकी सूचना देनी चाहिए। असम में आने वाले इमाम का पुलिस सत्यापन होगा, फिर मदरसों में धार्मिक शिक्षा वो दे सकेगा। असम के मुसलमान इस प्रक्रिया में सरकार का सहयोग कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। असम में वर्तमान में कोई सरकारी मदरसा नहीं है, क्योंकि उन्हें हाल ही में जो स्कूल है उसमें नियमित कर दिया गया है, यानी कि उनको रेगुलराइज कर दिया गया है। हालांकि व्यक्तिगत या निजी तौर पे संचालित मदरसे ही असम में चल रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता योगी के काम करने की शैली के मुरीद हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, और कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि योगी ने यूपी के अपराधियों और दंगाइयों पर जिस तरीके से नकेल कसी है और नकेल डाल के रखी हुई है, उनसे सख्ती से निपटा जा रहा है, उसी तरीके से एक मॉडल बनाया जा रहा है ताकि देश में जहाँ भी ऐसे लोग दिखाई दें उन पे इसी तरीके से नकेल डाली जाए। योगी ने यूपी में मुख्यमंत्री के तौर पर अपने पहले कार्यकाल में भी इसी तरीके से अपराधियों पे बुलडोजर चलाया था, लेकिन उस समय इसका इस तरीके से जिक्र नहीं हुआ था। उस समय इसकी आलोचना हुई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने योगी पे तंज कसा था और उन्हें कहा था कि ये योगी नहीं है, ये बुलडोजर बाबा है। लेकिन फिर भी ये बुलडोजर बाबा ही बीजेपी के प्रचार का केंद्र बिंदु बन गया। अब दूसरे राज्य हैं, जो दूसरे स्टेट हैं, वो भी इसी मॉडल को अपना रहे हैं। तो दोस्तों, देश में ये जो मैसेज दिया है, जहाँ पर भी देश विरोधी गतिविधियाँ होंगी, जहाँ भी टुकड़े टुकड़े गैंग दिखाई देंगे, जहाँ भी माफिया होंगे, वो चाहे किसी भी तरीके के हों, दंगाई होंगे, वहाँ पर उनके ठिकानों को बुलडोजर से गिराया जाएगा। ये कंटेंट आपको कैसा लगा ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये देश हित की बात है, क्योंकि इन मदरसों में देश के खिलाफ बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। वो बच्चे जो कल का भविष्य है उनके ब्रेन को वॉश किया जा रहा था। तो ये बात देश के लिए अच्छी नहीं है, उन बच्चों के लिए अच्छी नहीं है, और उन बच्चों के माता पिता के लिए भी ये सोचने की बात है कि वो अपने बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं। ये कंटेंट आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं हर बार ये कहती हूँ कि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, इवन लाइक करने में भी आपका कुछ नहीं जाता। अगर आप अपनी राय देते हैं, मुझे टेक्स्ट करते हैं, तो आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ सकती है, लेकिन अपनी राय देनी तो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी बात पे। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, फिर मिलती हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत।